बात किसानों के प्रदर्शन की करते हैं। दरअसल किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, सरकार के प्रस्ताव को हमने ठुकरा दिया है। बुराड़ी ओपन जेल है, आंदोलन की जगह नहीं है। बिना शर्त सरकार के साथ बातचीत चाहते हैं, हम 4 महीने तक रोड पर बैठे रह सकते हैं। ये चेतावनी दी किसानों ने दे दी है कि सरकार को ये बता दिया है कि वो 4 महीने के हिसाब से आए हैं। कुल मिलाकर गृहमंत्री अमित शाह का जो ऑफर था बुराड़ी पहुंचकर बातचीत का, उसे किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। बुराड़ी को ओपन जेल बताया है, कहा है कि आंदोलन की जगह नहीं है और इसीलिए हम सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। इस वक्त किसान सिंधु बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। आज उनके प्रदर्शन का ये सिंधु बॉर्डर पर 3रा दिन है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। भाई हुण जद सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी बडारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असी पड़ताल किया है बडारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। पहला सबूत उत्तराखंड के किसान तजेंद्र सिंह बिरक, जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा हम जंतर मंतर